हेलो फ्रेंड्स, आज IR में एक इंटरनेशनल न्यूज़ में एक आर्टिकल आया हुआ है, डज चाइना पाक एंड डील फॉर ग्लोबल रूल्स। तो यहाँ पर जो चाइना और पाकिस्तान के साथ में एक न्यूक्लियर डील हुई है, उसके ऊपर एक न्यूज़ आई है, व्हाट आर द पाकिस्तान गवर्नमेंट्स रीज़न फॉर गोइंग अहेड विद अ न्यूक्लियर पावर प्लांट विद चाइनीज हेल्प। तो इसमें कह रहा है कि क्या ऐसा, मतलब जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसका ऐसा क्या रीज़न है जिसने चाइना की हेल्प ली है, किस में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। वाई वॉज हैज़ बींग नॉट सॉट वेवर्स फ्रॉम द न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, हाउ विल इट इम्पैक्ट द गवर्नमेंट गवर्नेंस ऑफ न्यूक्लियर कॉमर्स। इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस पर, गवर्नेंस ऑफ न्यूक्लियर कॉमर्स पे। तो यहाँ पर क्या है, ऑन जून 20 चाइना एंड पाकिस्तान साइंड एन एग्रीमेंट फॉर ए 1200 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन द चश्मा न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स इन पाकिस्तान। यहाँ पर क्या है कि 20 जून को चाइना और पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें 1200 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, क्या है, चश्मा न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स इन पाकिस्तान, इसका नाम है। द डील रिपोर्टेड टू द वर्थ 4.8 बिलियन कम्स एमिड पाकिस्तान फेसिंग ए डुअल एनर्जी एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। मतलब पाकिस्तान में क्या था कि वो एनर्जी और इकोनॉमिक दोनों तरीके से वो प्रॉब्लम में था, वो दोनों चीज़ों को फेस कर रहा था, वहाँ काफ़ी दिन से ही क्राइसिस चल रहा था। द लेटेस्ट न्यूक्लियर डील बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान हैज़ इम्प्लीकेशन नॉट ओनली फॉर द क्राइसिस हिट कंट्री बट आल्सो फॉर द ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ न्यूक्लियर कॉमर्स विद बीजिंग प्रेसिडिंग द रिसेंट डील विद नेसेसरी वेवर्स न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। अब देखिए यहाँ पर क्या है, चाइना और पाकिस्तान में जो ये एग्रीमेंट हुआ उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात है कि जो यहाँ पे जियोपॉलिटिकल एजेंडा रेडी हो रहा है उस चीज़ को लेकर के लोगों को इशू हो सकता है। जैसे जो नेबरिंग कंट्री है उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है या उससे रिलेटेड कोई ना कोई इशू होता रहेगा, तो इससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो जियोपॉलिटिकल इशू दिख रहा है ना, जिसको भू राजनीति बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए चाइना ने, जैसे अभी कुछ दिन पहले क्या किया था, चाइना ने श्रीलंका के साथ में एक एयरपोर्ट है उसको लीज़ पे लिया है 100 ईयर्स के लिए, है ना। तो वहाँ पर क्या कर रहा है, वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है और वहाँ पे चीज़ें सारी अच्छे से कर रहा है, हम्बन टोटा जो नाम है। तो अब वही देखा जाए तो जैसे श्रीलंका के साथ किया, तो श्रीलंका के साथ अगर उसने हम्बन टोटा में वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा, तो वहाँ से इंडिया ज़्यादा दूर नहीं रह जाता, तो वहाँ पर भी एक ये इशू काफ़ी दिन ये न्यूज़ में रहा था, ये जो जियोपॉलिटिकल का इशू हो गया था। अब देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ में फिर क्या है, व्हाट इज़ द लेटेस्ट डील, अब इनकी लेटेस्ट डील क्या हुई है। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑन जून 20 विटनेस द साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 1200 मेगावाट न्यूक्लियर प्लांट, दिस इज़ द फिफ्थ रिएक्टर एट द चश्मा न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, द फाइनेंशियल डिटेल हैव नॉट बीन स्पेल्ड आउट बट मिस्टर शरीफ सेड चाइना हैड गिवन स्पेशल कंसेंसन फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन एमिड पाकिस्तान्स कंटिन्यू फाइनेंशियल क्राइसिस एंड ऑनगोइंग नेगोशिएशन फॉर ए वेल आउट फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी IMF भी इसमें निगोशिएट करेगा। C5 विल बी द बिगेस्ट रिएक्टर एट चश्मा वेयर चाइना हैज़ ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड 4 phases ऑफ द कॉम्प्लेक्स विद 4 reactors अराउंड 325 megawatt इच, इट विल यूज चाइनाज होलंग 1 reactor विच हैज़ ऑल्सो बीन इंस्टॉल्ड 2 plants इन कराची। मतलब कराची में 2 plant बनाएगा। हाउ मैनी अदर न्यूक्लियर प्लांट्स है चाइना बिल्ट फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान करेंटली ऑपरेटिंग 6 चाइना बिल्ट न्यूक्लियर प्लांट्स, 4 smaller रिएक्टर एट द चश्मा कॉम्प्लेक्स एंड 2 एट द कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, पाकिस्तान ओल्डेस्ट रिएक्टर द कैनेडा बिल्ट KNUUP-1 इज नाउ डी
कमर्शनाइज्ड वाइल KNUPP2 एंड KNUPP3 बोथ यूज 1100 मेगावाट चाइनी हुलांग ऑन रिएक्टर KNUPP3 विद ए 2.7 बिलियन इन्वेस्टमेंट वेंट फुली ऑनलाइन इन द पास्ट ईयर एंड वाज हेल्ड बाय मिस्टर शरीफ हैज हेल्पिंग ए पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस एंड एग्रीमेंट ऑफ KNUPP साइंड इन 2013 द ईयर चाइनीज प्रेसिडेंट सिंह सी जिनपिंग लॉन्च्ड हिज बेल्ट एंड रोड इंसेंटिव है ना बेल्ट एंड रोड इंसेंटिव हैड बिकम फ्लैगशिप एनर्जी प्रोजेक्ट पार्ट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑफ द VRI है ना। तो यहाँ और अगला क्या है, अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी फेस्ड विथ कंटिन्यू एनर्जी डेफिसिट फाइनेंशियल क्राइसिस एंड राइजिंग इंपोर्ट वेल्स कंट्री नीड्स अर्जेंटली इंक्रीज द शेयर रिन्यूएबल्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी अल्टरनेटिव एंड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी रूल। तो देखा जाए तो इसमें कई बातें हैं जो जैसे किसमें एनर्जी IMF और आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA की भी बात की गई है और इस तरीके। तो यह एक न्यूज़ थी, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी आते हैं। थैंक यू।